श्री राम समर्थ दिसंबर 22। किसी भी प्रसंग में नाम को मत छोड़ो। आसमान से डर कर कहीं भी भाग कर गए तो आसमान सब जगह होगा ही। उसी प्रकार हम कहीं भी जाए तो हमारी देह मन और उसके साथ उसके भोग भी हमारे साथ आएंगे ही। इसलिए हमें अपने लिए निर्धारित कर्म के भोग का बांटा संतोष से भोगना सीखना चाहिए। जब तक प्रयत्न किया होता तो अच्छा होता ऐसा लगता है, तब तक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सफलता या असफलता परमात्मा ही देंगे ऐसा समझकर प्रयत्न करना चाहिए। सारा कर्तृत्व उसी को सौंप दे। तुम्हारी सेवा अब हम कितने दिन करें ऐसा पूछने का अर्थ ही यह होता है कि सेवा में कुछ न्यूनता है। वैसे ही नाम के बारे में कोई अवधि कैसे निर्धारित की जा सकती है, तो नाम के बारे में ही ऐसा क्यों पूछे। आज भगवान एक छोर पर तो हम दूसरे छोर पर हैं। उसके नाम से ही उसे अपने पास पास ला सकते हैं। हम जितना अपनी देह को भूले उतने भगवान हमारे पास आएंगे। भगवान के नाम में ही सत्संगति है। गृहस्थी में कितने ही कठिन प्रसंग आने दो, नाम को मत छोड़ो। मन को खाली रखा जाने पर वह तुरंत विषय के पीछे दौड़ता ही है। इसलिए अपना मन सदा नाम में लगाए रखना चाहिए। उठना बैठना जप करना पढ़ना गपशप करना हंसी मजाक करना आदि सभी क्रियाओं में भगवान से संबंध और संदर्भ रखे, यही अनुसंधान है। भगवान से अनुसंधान ही हमारा ध्येय है। उसके अनुसार हम शेष बातें करें। हमारी वृत्ति और भगवान को जोड़ने वाली कड़ी उसका नाम है। अतः हमारी वृत्ति हमेशा नाम में लील रखे। नाम का अनुसंधान बना रहेगा, ऐसी ही उपाधि हम धारण करें। केवल नाम लेने से भी हमारा काम सफल होगा, लेकिन समझ बुझकर नाम लिया तो सफलता शीघ्र होगी। नाम मुख में आते ही सत्कर्म अपने आप होने लगते हैं। यह समझकर हम बरते कि हमारे हर एक कर्म का साक्षी राम है, जिससे हमसे दुष्कर्म होगा ही नहीं। हम अकारण बहाने बनाते रहते हैं। काम होता है तब काम का बहाना ठीक है, लेकिन काम नहीं होता है तब नामस्मरण न करके व्यर्थ गपशप करते हैं या निंदा स्तुति या अन्य खेल खेलने में समय बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन आवारा है, उसे एक जगह स्वस्थ शांत रहने की आदत ही नहीं है। उसे थोड़ी जबरदस्ती से नाम लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। नाम में भगवान की शक्ति होने से नाम लेने वाले की देह बुद्धि धीरे धीरे कम होती है और नाम दृढ़ हो जाता है। नित्य नामस्मरण करने के बगैर वह अंत में नहीं आएगा। जागृत अवस्था में अभ्यास करने पर ही नींद के समय उसका स्मरण होगा। नींद के समय उसका स्मरण होगा तो रात में स्वप्न में भी वही होगा। और ऐसा निरंतर उसका ध्यान रखा गया तो मरने के क्षण में भी उसी का स्मरण रहेगा। आज का मुख्य विचार, नाम लेते लेते उसमें इतना लीन हो जाए कि हम नाम ले रहे हैं यह भी भूल जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।